नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के बाड़मेर की, उस राजस्थान की जहां की गहलोत सरकार बढ़ चढ़कर सुशासन के दावे करती है। ये तस्वीरें हैं उस राजस्थान की जहां बड़े जोर शोर से आरटीआई अधिनियम को लागू किया गया था और खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब जनता और ज्यादा मजबूत होगी, राजस्थान में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लेकिन बाड़मेर की ये तस्वीरें परेशान करती हैं, बाड़मेर की ये तस्वीरें हैरान करती हैं। जो कोई भी इन तस्वीरों को देखेगा वो आरटीआई एक्ट में जानकारी लेने की हिम्मत ही नहीं करेगा, और यदि किसी ने हिम्मत जुटाई भी तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा, और यदि किसी ने हिम्मत जुटाई भी तो उसका हाल भी ऐसा ही ना हो, इस बात की क्या गारंटी है। चलिए आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि यहाँ एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ किस तरीके से बेरहमी से मारपीट की गई है। इस कानून में सूचना मांगने पर दबंगों ने, कुछ शराब माफिया ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ ऐसा सलूक किया कि आप और हम सभी हैरान उठेंगे ये पूरा मामला जानकर। दरअसल बाड़मेर जिले के गिड़ा जसोड़ो की बेरी गांव के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम ने एक मामले में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और अवैध शराब से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी थी। उसका ये काम उसे इस कदर भारी पड़ा कि उसकी जान पर बनाई। दबंगों ने और शराब माफिया से जुड़े कुछ लोगों ने नाराज होकर पहले तो आरटीआई कार्यकर्ता का अपहरण किया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। दबंगों ने अमरा राम के दोनों हाथ तोड़ दिए, दबंगों ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए और दोनों पैरों में हथौड़े से कील ठोक दी। फिलहाल उसे इलाज के लिए गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरा राम का जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना दो दिन पहले की है लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं इस पूरे मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक, बाड़मेर के कलेक्टर और एसपी के साथ ही आबकारी आयुक्त से इस पूरे मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने महानिदेशक पुलिस और एसपी से जवाब मांगा है कि अमरा राम गोदारा के पैरों में कील गाड़ने वाले, उसका अपहरण करने वाले और निर्ममता पूर्वक मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ आखिर क्या किया। आबकारी आयुक्त से आयोग ने पूछा है कि बाड़मेर में अवैध शराब माफिया को लेकर अमरा राम की शिकायत पर आपने क्या किया। आयोग ने इस पूरे मामले में कलेक्टर से भी पूछा है कि आपने आरटीआई एक्टिविस्ट अमरा राम की शिकायतों पर क्या किया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।